बरगाड़ी बेअदबी कांड नाल जुड़े बैबल कलां गोलीकांड मामले विच SIT ने 19 महीने बाद दूजी गिरफ्तारी की है, जिस तहत विशेष जांच टीम वालों बीती कल फरीदकोट के नौजवान एडवोकेट सुहेल सिंह बराड़ नूं गिरफ्तार कर लिया गया। सुहेल सिंह बराड़ नूं जांच टीम वालों पुछगिछ लई कैंप ऑफिस बुलाया गया सी, जिथे उस नूं गिरफ्तार किया गया। बैबल कलां गोलीकांड विच घटना वाले दिन 14 अक्तूबर 2015 नूं दो सिख नौजवानों की मौत हो गई सी। वह बरगाड़ी विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले विच धरना दे रहे सन। पुलिस ने जिप्सी उत्ते फायरिंग के निशाना का हवाला दिंदिया तर्क दिता सी कि घटना समय प्रदर्शनकारियों ने उन्हां दी गड्डी दे उत्ते हमला किया सी, जिस तो बाद विच पुलिस नूं गोलियां चलाउणियां पईयां। SIT ने जांच विच पाया सी कि गोली कांड की घटना तो बाद अपना बचाव करने लई मुलजम पुलिस अधिकारियों ने झूठी कहानी घड़ी सी। सुहेल सिंह बराड़ ने जिप्सी नूं फरीदकोट स्थित अपने घर लिया के उस उत्ते फायरिंग कीती अते निशान बनाए सन। विशेष जांच टीम के मैंबर IG कवर विजय प्रताप सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करदिआं कहा है कि सुहेल सिंह बराड़ नूं अदालत विच पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। विशेष जांच टीम ने सुहेल सिंह बराड़ नूं फरवरी 2019 तक गवाह बनाया सी अते अदालत विच उसने 164 CRPC दे तहत बयान दर्ज करवाया सी, परंतु हुण विशेष जांच टीम ने सुहेल सिंह बराड़ नूं बैबल कलां गोलीकांड विच मुलजम वजो नामजद कर लिया। दसणयोग है कि बैबल कलां कांड इस तो पहला जांच टीम ने 28 जनवरी 2018 नूं मोगा के सबका SSP रहे चरणजीत शर्मा नूं गिरफ़्तार किया सी अते इस मामले विच सिट वलों हेठ दूजी गिरफ़्तारी की गई है।